बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सीएसएस एस्पायरेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज सीएसएस पीएमएस मेड इजी सीरीज का पहला लेक्चर, जिसमें हम इंट्रोडक्टरी चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले व्हाई टू गो फॉर दिस ऑप्शन ऑफ सीएसएस। देर आर सर्टन रीजंस बिकॉज ऑफ विच there are a lot number of educated youth that aspire for css. sabse pehla recognition in society hai, dusra you get a role in decision making, number third service delivery. there is a quotation by imam abu hanifa rahmatullah alayh that there is no greater joy than the joy of seeing others happy. so a kind of accomplishment which you get आफ्टर सर्विंग दी पीपल, ये एक सोर्स ऑफ प्लेयर है बहुत सारे लोगों के लिए और होना भी चाहिए, क्योंकि सी एस एस में आके आपको मौका मिलता है कि आप दूसरों की जिंदगियों में फ़र्क डाल सकें। उसके बाद आपको जो मटेरियल पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं वो भी एक फैक्टर है। मोबिलिटी, मोबिलिटी से मुराद हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी भी है और वर्टिकल मोबिलिटी भी है। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी से मुराद ये है कि एक ही ग्रेड में, एक ही स्केल में मुख्तलिफ पोजीशन पे काम करना, जब आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन भी चेंज हो जाती है और आप ऑल टुगेदर डिफरेंट काम करते हैं, उससे ये होता है कि आप डिफरेंट रोल में काम करते रहते हैं, डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस आता है और आप एक जगह पे काम करते हुए बोर नहीं होते। यानी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है आपकी पोस्टिंग के साथ चेंज होती रहती है। और अगली चीज़ है सर्विस स्ट्रक्चर। सर्विस स्ट्रक्चर से उसमें से जो वर्टिकल मोबिलिटी है उसका मतलब ये है कि आप जब आपकी जब प्रमोशन होती है तो विद प्रमोशन आपके जब ग्रेड चेंज होते हैं तो उससे भी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन और अथॉरिटी और सुपरविजन में इजाफा होता है। नेक्स्ट इज सर्विस स्ट्रक्चर, इसका मतलब ये है कि आपकी सर्विस रूल्स डिफाइंड होते हैं, आपकी प्रमोशन के रूल्स पता होते हैं और ये भी डिसाइडेड होता है कि कितने सालों बाद प्रमोशन होगी मोर आर लेस। और इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि आपको सिक्योरिटी ऑफ जो सर्विस है वो हासिल होती है। अनलाइक प्राइवेट सेक्टर, आपको जो सजा जजा का प्रोसेस है वो बाकायदा रूल्स के तहत होता है और उसमें ऐसा नहीं होता कि एक दिन वन फाइन मार्निंग कहा जाए कि यू आर नॉट गोइंग टू कम टू ऑफिस अगेन। सी एस एस के मुख्तलिफ ये डायमेंशन हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। इसमें तकरीबन तमाम चीज़ें, बेसिक चीज़ें कवर्ड हैं और ये हम कोशिश करेंगे 2 से 3 लेक्चर में इसको कवर करने के लिए। जब ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर मुकम्मल हो जाएगा तो फिर हम सिलेबस पे आएंगे और सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे इन लेक्चर में। सबसे पहले अब जो है सब्जेक्ट सिलेक्शन बड़ा इम्पॉर्टेंट है, रीडिंग है, फिर मेकिंग नोट्स है, उसके बाद फिर उस जो नोट्स आप बनाते हैं उसको मेमोराइज कैसे करना है, फिर उसमें सर्टन चीज़ें हैं जैसे मैप्स हैं, फ्लो चार्ट हैं, वो कैसे बनाने हैं, क्यों बनाने हैं, फिर उसमें थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, राइटिंग प्रैक्टिस है, टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट और पेपर जब आपने देना है तो उसकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। तो इन एस्पेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे। इनिशियली हम इसको इस तरीके से लेते हैं कि हम पहले रीडिंग पे बात कर लेते हैं। याद रखिएगा कि सबसे अहम चीज़ जो है वो सीएसएस में या किसी भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में रीडिंग है। आपका रीडिंग का टेम्परामेंट होना बहुत ज़रूरी है। रीडिंग को ह�ॉबी बना लें, अगर आपकी हॉबी है तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसको हॉबी बना लें और उस रीडिंग मटेरियल को पढ़ने की हॉबी जो कि रेलेवेंट है, ना कि क्योंकि बहुत सारा जो रीडिंग मटेरियल होता है रेलेवेंट इरेलेवेंट, तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपने पढ़ना क्या है और कितना एक रेलेवेंट पढ़ना है। फिर दूसरी चीज़ जो मैं कहता हूँ कि रीडिंग विदाउट मेकिंग नोट्स इज वेस्टेड, क्योंकि सीएसएस में आपको एक पेपर का सिलेबस एक बुक की फॉर्म में नहीं मिलता। अनलाइक अदर एग्जाम, बाकी एग्जाम में तो ये होता है कि आपको एक ही सब्जेक्ट के ऊपर एक ही बुक मिल जाती है और आप उसी से तैयार कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट सोर्सेज आपको कंसल्ट करना पड़ते हैं, लिहाजा आपको खुद ही इन तमाम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को अपने
थॉट्स और आइडियाज के मुताबिक एक ही जगह पे नोट्स की फॉर्म में कंपाइल करना है, और ये रिकमेंडेड है कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं। नेक्स्ट है कि आप रिकमेंडेड बुक्स पढ़ें और रिकमेंडेड मटेरियल को ही रीड करें या खुद रिसर्च करें एक टॉपिक के ऊपर, और जो पढ़ना है उसको केयरलेसली नहीं पढ़ना, उसको हमेशा मतलब विद ड्यू केयर, विद ड्यू एक्नॉलेजमेंट एंड अप्रिसिएशन उसको पढ़ें, उसको जब जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको अंडरलाइन करें, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएं, उससे एग्री करें, उसके साइड नोट्स दें, और उसको जहाँ पे समझ नहीं आ रही वहाँ पे उसको डिस्कार्ड करते जाएं, क्योंकि इसमें विद अटमोस्ट केयर इन डेप्थ स्टडी जो है वो बहुत ज़रूरी है। और फिर पढ़ने के साथ साथ चूँकि आपको साथ साथ वोकैबुलरी भी बिल्ड करना होती है, तो उसमें फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ डिक्शनरी वो आपको हासिल करना ही करना पड़ता है। ऑलवेज सराउंड योर सेल्फ विद रेलेवेंट बुक्स, गुड बुक्स, एंड यू विल हैव ए फोर्ट्रेस दैट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम आवर्स ऑफ लोनलीनेस। ये CSS के दौरान जब आप स्टडी या रीडिंग करते रहते हैं तो आपकी हैबिट डेवलप हो जाती है, और इवन CSS करने के बाद भी ये हैबिट आपके पास रहती है। याद रखिएगा कि रीडिंग इज ए सोर्स ऑफ प्लेयर, इट्स ए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, और ये एक हॉबी है, इसको आप हॉबी के तौर पर ही अडॉप्ट करेंगे, ताकि आपका जो CSS की तैयारी का प्रोसेस है वो आपको मुश्किल ना लगे और आप इसको एंजॉय करते हुए करें। अगेन वही बात जो मैंने पहले कर दी है कि नो एंटरटेनमेंट इज सो चीप एज रीडिंग, नॉर एनी प्लेयर इज सो एवर लास्टिंग। तो रीडिंग को आप जब एंजॉय करना शुरू कर देंगे और अपने जब आप नॉलेज गेन कर रहे होंगे और आपको फील हो रहा होगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं और आप साथ साथ नोट्स भी बना रहे हैं, अपने बुलेट पॉइंट्स बना रहे हैं, तो वो जो एक आपका उसमें व्हेन यू स्टार्ट एंजॉयिंग, तो दैट इज द क्रक्स, और उस टाइम आप फिर CSS जो सक्सेस है उसकी तरफ आपका सफर इंतहाई तेजी के साथ शुरू हो जाता है। रीडिंग के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो डिक्शनरी का यूज़ है, तो इसमें हम आपको बताएंगे कि डिक्शनरी को कब यूज़ करना है। डिक्शनरी को उस वक्त यूज़ करना है जब किसी वर्ड के मीनिंग आपको क्लियर ना हो, या पहली दफ़ा उस वर्ड को देख रहे हो। अच्छा, फिर जब उस वर्ड के मीनिंग आपने किसी अच्छी सी डिक्शनरी में तलाश करते हैं, तो ये उसके वर्ड्स के डेरिवेटिव भी साथ साथ देखने हैं, क्योंकि एक वर्ड बाजू का अकेला नहीं होता, मोस्ट ऑफ द केसेस उस वर्ड्स के साथ साथ डेरिवेटिव्स होते हैं, उसके एडजेक्टिव होते हैं, नाउन, वर्ब, प्रोवर्ब, वो तमाम आपने देखने हैं। फिर एक वर्ड्स के से मुख्तलिफ किस्म के मीनिंग बने होते हैं, जैसे एक वर्ड है टेरर, टेरर से टेररिज्म भी बनता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, मतलब इसकी मुख्तलिफ डायमेंशन हैं। इसी तरह एक वर्ड की मुख्तलिफ जहतें हैं, जैसे नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, और उसके अलावा इसमें वो फिर उस वर्ड को जब आपने डिक्शनरी में देखना है तो ये ज़रूर देखें कि वो किस सेंस में इस्तेमाल हुआ है, उसका जो सेंटेंस में इस्तेमाल है वो ज़रूर देखें। जब आप सेंटेंस में उसका इस्तेमाल देखेंगे तब आपको उसकी समझ आएगी। और इसमें एक और अहम पॉइंट ये है कि एक वर्ड मुख्तलिफ सेंसेस में इस्तेमाल हो सकता है, मुख्तलिफ मीनिंग दे सकता है, एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स भी हो सकते हैं। ये एक मिसाल है फैमिली ऑफ वर्ड्स की, एक वर्ड के डेरिवेटिव्स की, जैसे एक वर्ड है एक्ट, अब ये सारे वर्ड्स जो है एक्ट से ड्राइव्ड हैं, ये एक्ट की फैमिली हम कह सकते हैं, इसी से एक्शन है, एक्शनेबल है, एक्टिव है, एक्टिवेट है, एक्टिव लिस्ट है, एक्टिविज्म है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, तो ये सारे एक ही वर्ड की फैमिली है। और जब आप एक वर्ड देखने जाएं, लेट्स से एक्ट, तो उसका पूरा जो फैमिली या डेरिवेटिव ऑफ वर्ड हैं वो आप देख लें। इससे फ़ायदा ये होगा आपको कि आपकी जो वोकैबुलरी है वो मैनी फोल्ड, मैनी टाइम्स आपकी इन्हेंस होगी। फिर एक और चीज़ है, फिर एक और टर्म जिसको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। ये एक वर्ब के साथ जब मुख्तलिफ किस्म की प्रेपोजिशन लगती हैं तो उस वक्त उसके मीनिंग चेंज होते रहते हैं, जैसे लुक है, अब लुक के साथ जब डिफरेंट प्रेपोजिशन लगाएंगे तो उसके ऑल टुगेदर मीनिंग ही चेंज हो जाते हैं। तो फ्रेजल वर्ब के ऊपर भी आपकी कमांड होनी चाहिए, और जब फ्रेजल वर्ब को आप अपने लिखने में यूज़ करते हैं तो आपकी जो इंग्लिश है बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव बनती है, जैसे लुक अहेड है, लुक अराउंड है, लुक इनटू है, लुक आउट है,
लुकअप है, ये सारे जो वर्ड हैं लुक से बनते हैं, सॉरी सारे वर्ब लुक से डिराइव्ड है, इनको फ्रेजल वर्ब कहते हैं, और हर फ्रेजल वर्ब का जो मीनिंग है वो डिफरेंट होता है। तो ये भी आपने देखना है कि एक ही वर्ब के साथ डिफरेंट प्रपोजिशन लगने से भी उनके मीनिंग चेंज होते हैं। डिक्शनरी का जो क्योंकि प्रोसेस है वो बड़ा टेडियस है, उसको यूज करने का लेबोरियस है, आप पढ़ रहे होते हैं, आपको जब मुश्किल मीनिंग मुश्किल वर्ड दिखाई देता है तो पहली टेम्पटेशन तो ये होती है कि आप पास ऑन कर जाए, इग्नोर कर दें। तो आपने कभी भी किसी मुश्किल वर्ड को इग्नोर नहीं करना, उस पर पूरी तवज्जो देनी है, उसको डिक्शनरी की तरफ जरूर जाएं। और ये जितना आप इस लेबोरियस प्रोसेस में जाएंगे उतना ज़्यादा आपकी वोकेबलरी इन्हांस होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपकी राइटिंग अच्छी होगी। याद रखिएगा, आपकी राइटिंग के अच्छे होने का ताल्लुक आपकी अच्छी वोकेबलरी से है। अच्छा, फिर आपने वर्ड के मीनिंग का पता होना ज़रूरी नहीं है इतना ज़्यादा, जितना कि उसका उस सेंटेंस में इस्तेमाल होने का भी पता होना चाहिए साथ, कि कैसे इसको आपने सेंटेंस में यूज़ करना है। इस कोटेशन को बेशक अब आपने रूम में लगा लें, अपने स्टडी जो जहाँ पे स्टडी करते हैं वहाँ पे लगा लें, ताकि आपको मोटिवेशन मिलती रहे। अब हम आते हैं कि आपने ये कैसे सिलेक्ट करना है, कौन सा स्टडी मटेरियल आपका जो है वो रेलेवेंट है, कौन सा नहीं है। तो उसके लिए आपके पास दो पैमाने हैं, एक है FPSC का सिलेबस जो आपको हेल्प करता है कि ब्रॉडर एस्पेक्ट के ऊपर आपको गाइडलाइन देता है कि कौन से टॉपिक हैं, दूसरा है पास्ट पेपर्स जो आपको नैरो उसकी जहतें जो नैरो एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में आपको गाइडलाइन देते हैं। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि करंट अफेयर का जो पहला सिलेबस जो पहला टॉपिक है वो है पाकिस्तान डोमेस्टिक पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स, ये उसका पहला टॉपिक है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं वो इसमें आते हैं, कौन कौन से इसमें इकोनॉमिक इश्यूज आते हैं, कौन कौन से इसमें सोशल इश्यूज आते हैं। तो जब आप पास्ट पेपर्स को देखेंगे करंट अफेयर्स के, तो उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था 2021 में अलमन, क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस के बारे में। अब ये प्योरली पाकिस्तान का इंटरनल पॉलिटिकल इशू है, तो आपको ये आइडिया हो गया कि क्रिएशन ऑफ प्रोविंसेस जो है ये पॉलिटिकल इशूज में आता है। इसी तरह इकोनॉमिक इशूज हैं, इन्फ्लेशन है, और इसी तरह सोशल इशूज हैं। तो वो जब सबका पेपर देखते हैं तो आपको ये आइडिया होता रहेगा कि एक जो ब्रॉडर आउटलाइन है उसके कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, और फिर जब आप स्टडी करेंगे तो आप इन फिल्टर्स के तहत करेंगे कि ये मेरे लिए रेलेवेंट है। तो पुराने पेपर्स की रोशनी में, पास पेपर्स की रोशनी में, और इससे बेहतर सबसे बेहतर ये होगा कि आप अपने पास एक पेपर लें, उसके ऊपर लिखें लेट से पाकिस्तान पॉलिटिकल इश्यूज, नीचे आप पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज हैं उसके बारे में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको नीचे ही लिखते जाएं, एक हेडिंग के नीचे, उसी हेडिंग के नीचे। तो उससे ये होगा कि आपको पॉलिटिकल इश्यूज जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो आपको आपके एक पेपर पे मिल जाएंगे इन द लाइट ऑफ पास पेपर्स, और फिर आप नेक्स्ट जो स्टडी करेंगे उनकी उनके उनके जवाब, उनकी जो असाइनमेंट, आप ये रखें कि उनके आपने जो उन क्वेश्चन के जवाब आपने सर्च करते हैं और उनकी रिसर्च करनी है। जब आपने रीडिंग करनी है तो आपने अपने आर्गुमेंट्स देना होते हैं, आर्गुमेंट्स को आपकी कुछ चीजें स्ट्रेंथन करती हैं। सबसे पहली चीज है कि आपके कंसेप्ट, वो आपने स्टडी करने हैं जब भी आप रीडिंग कर रहे हो, कोटेशंस हैं उसमें, प्रोवर्ब्स हैं उसमें, इक्तबासात हैं, कंपैरिजंस हैं, डेटा है, एग्जांपल्स हैं, केस स्टडीज हैं, सर्वेज हैं, रिपोर्ट्स हैं, थ्योरीज, ये वो चीज़ें हैं जो आपके आर्गुमेंट को स्ट्रेंथन करती हैं। अगर आपका आर्गुमेंट बैक्ड नहीं है बाई रीजन एंड लॉजिकल रीजन, तो वो आर्गुमेंट जो है उसकी उसका वेटेज नहीं होता। जब भी आपने कोई अपना आर्गुमेंट बिल्ड करना है तो आपने उसको सपोर्ट करना है इन फैक्टर्स के साथ। मिसलन आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन जो है वो ओवर द ईयर्स बढ़ रही है, तो आप फिर उसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो CPI है, जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, उसको कोट करेंगे कि उसमें पाकिस्तान का जो नंबर है आउट ऑफ जितने भी कंट्रीज है उसमें 124th है, और पिछले साल ये इतना था, उससे पिछले साल ये इतने नंबर पे था। तो अब इससे साबित ये होता है कि पाकिस्तान में जो करप्शन का लेवल है वो बढ़ रहा है। तो जब आप अपनी बात को किसी ऑथेंटिक सोर्स के साथ
टैली करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो उसमें वेट बनता है आपकी बात में, और आपकी बात जो है वो आगे फिर आपका एग्जामिनर जो है उसको एक्नॉलेज करता है। तो ये जब भी आपने रीडिंग करनी है इन पॉइंट्स पे आपने जरूर तवज्जो देनी है। आगे हम बात करते हैं कि CSS जो है वो उसकी तैयारी बाकी एग्जाम से डिफरेंट है। पहला डिफरेंस ये है जो मैं आपको कहता हूँ कि ये बड़ा इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। ये जो रीडिंग मटेरियल है ये आपकी पर्सनैलिटी को भी बिल्ड करता है, आप एक लाइफस्टाइल चेंज करता है, अनलाइक अदर एग्जाम्स, क्योंकि ये एक ऐसा प्रैक्टिकल एग्जाम है जिसके बाद आपका फ्यूचर चेंज होना है, आपकी लाइफ की पूरी ट्रेजेक्टरी चेंज होना होती है। तो बी मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड फॉर दिस एग्जाम, और इसको इसका जो स्टडी फेज है, प्रिपरेशन फेज है, इसको इंजॉय करके आप आगे चलें, और इसको एक लाइबिलिटी या फटीक के तौर पर ना लें, बल्कि इसको एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर लें। दूसरा फर्क ये है कि आपको इसमें जो रीडिंग करना पड़ती है वो डिफरेंट सोर्सेज से करना पड़ती है, एक बुक में रीडिंग आपको मटेरियल नहीं मिलता। तो इससे भी आपकी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं, आपकी नोट्स मेकिंग स्किल्स हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स हैं, वो बड़ी शार्प होती हैं। तीसरी चीज़ ये है कि इसमें हो सकता है कि आपको ऐसे जवाब अटैम्प्ट करना पड़े जो आप पेपर में जा के खुद अपने नॉलेज को इम्प्रोवाइज करके कर रहे हो, मतलब आप हो सकता है कि आपका पेपर का जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं 80% ऐसा उसमें कंटेंट हो जो आपको खुद लिखना पड़ रहा है अपनी तरफ, सेल्फ राइटिंग जो है वो करना पड़ती है, क्योंकि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। टॉपिक्स के बारे में आपकी तैयारी होती है, अब एक टॉपिक के किस फैक्टर के बारे में वो पूछेंगे ये आपको प्रिडिक्शन नहीं होती। फिर आपको वहाँ पे अपना जो रीडिंग जो आपके माइंड में नॉलेज होता है उसको आप इम्प्रोवाइज करते हैं, उसको आप अरेंज करते हैं, और उसी की बुनियाद पे आप आर्गुमेंट देते हैं। तो इस चीज़ के लिए जो हमने बात की है, आपको अपना जो हम बात करते हैं ह्यूमन माइंड, उसके पोटेंशियल को टैप करना चाहिए, आपको थिंकिंग की आदत डालनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग की, और अपने नोट्स खुद बनाएं। हम इसमें ये बात करेंगे कि आपका जो ह्यूमन माइंड है उसका पोटेंशियल बड़ा अनलिमिटेड है, उसको कैसे टेप करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे कि हमने बात की कि रेलेवेंस की, तो रेलेवेंस आपको ये बताती है कि आपको क्या चीज़ पढ़नी है। मैं ये बात कहता हूँ कि CSS प्रिपरेशन इज एन आर्ट विच लाइज इन नोइंग व्हाट टू रीड एंड मोर इम्पोर्टेंटली व्हाट नॉट टू रीड, क्योंकि एक फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में इतना मटेरियल पड़ा हुआ है कि आप इसके ऊपर अगर स्टडी करते रहें तो आपका साल गुजर जाएंगे लेकिन आपका मटेरियल या बुक्स इसके ऊपर ख़त्म नहीं होंगी। तो लिहाजा आपको जब पता हो कि आपने एक टॉपिक को कितना और किस लेवल तक तैयार करना है, तो आप एक ख़ास स्टडी के बाद, एक ख़ास छत के बाद आप उसमें कहते हैं कि नाउ इट्स एनफ, नाउ मूव, इट्स टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लिमिट्स साथ साथ सेट करें कि कब आपने एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च ख़त्म कर देनी है और किस कितना इन डेप्थ जाना है। यानी अगर हम इसमें लिमिट ना लगाएं तो हमारा जो टाइम है वो एक ही टॉपिक को तैयार करने में कंज्यूम हो जाए। हमने ह्यूमन माइंड के पोटेंशियल के ऊपर जो पहले बात की, इन्फिनिट है, इसमें जो आप सोचते हैं ये थ्योरीज हैं मुख्तलिफ किस्म की कि वो आप सोचते हैं और बिलीव करते हैं वो हासिल कर लेते हैं। तो CSS के लिए भी जरूरी है कि आप ये अपने माइंड रखें कि यू कैन डू इट, बिलीव इन द पावर ऑफ योर माइंड, आपके जो माइंड की प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। और जैसे वो एक इडियम है अलादीन लैम्प, आपका माइंड आपके लिए अलादीन लैम्प है जो कि जिसके पास आपके सवालों के तमाम जवाब होते हैं। तो हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर बात करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग को डिफाइन करते हुए हम बताएंगे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी कैसे है और इसकी मुख्तलिफ इससे मुतलका जो कंसेप्ट हैं उनको बयान करेंगे। जितना रीडिंग इम्पॉर्टेंट है उतना ही ब्रेनस्टॉर्मिंग इम्पॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।